Assalamu alaikum. Today we will discuss past indefinite, and this is one and only tense in which we use second form of verb. So what is the usage of past indefinite? Past indefinite is used to describe when the action took place in the past at the specific time period. पास इंडेफिनेट जब आप कोई काम है ना पास में कंप्लीट कर देते हो उसके इफ़ेक्ट मौजूद ना हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास इंडेफिनेट। अब ट्रांसलेशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पास इंडेफिनेट है? तो आपको लास्ट में या तो अलिफ मिलेगा या तो छोटी ए मिलेगा या तो बड़ी ए। अब आप कहेंगे ये मिस क्या बोल रही है, अलिफ छोटी ए बड़ी ए ये क्या है? तो देखते हैं, अगर आपके लास्ट में था लिखा हुआ होगा तो था के लास्ट में देखो अलिफ आता है, थी लिखा होगा तो छोटी आता है, थे लिखा होगा तो बड़ी आता है। अब इसी तरह से आप देखो गया लिखा हुआ आएगा तो अलिफ है गया के लास्ट में, गई लिखा हुआ है तो छोटी है, गए लिखा हुआ है तो बड़ी है, लिया है तो अलिफ, ली है तो छोटी है, लिए हैं तो बड़ी है। सो लेट मी राइट द यूसेज व्हेन द एक्शन टुक प्लेस इन पास एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो वी विल यूज पास इनडेफिनेट। Now we will discuss the structure of past indefinite. I told you that past indefinite is one and only tense in which we use second form of verb. So first we will write subject, then second form of verb, then object. Okay, this tense is little bit difficult because some students get confused by making negative and interrogative. So let me write the structure of interrogative and negative. So for negative you will first use subject, okay? Then I told you in past indefinite we use second form of verb. So in negative we will not use second form of verb. तो हमें ये बताने के लिए कि ये past indefinite है तो हम do की second form लगाएंगे, that is did. Did. Here did is a helping verb. Okay? So after every helping verb we put not. So I will write not here. Then हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज़ कर लिया है, नाउ वी डू नॉट नीड टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हियर। हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों नहीं यूज़ किया गर्ल्स? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लिया है, ओके? देन वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट। For interrogative, I will put did at the beginning of the sentence, did plus subject plus, again I will use first form of verb, okay girls? देखो आपको ये याद रखना है कि negative और interrogative में you will not use second form of verb, क्योंकि did already second form of verb होता है. So I will add here first form of verb. Then object. Do not forget to add question mark at the end of interrogative sentence. Now let's make some sentence. तो sentence हम कैसे बनाएंगे? First I go की second form girls क्या है? Went. I went to college. अब इसका उर्दू में भी देख लेते हैं गर्ल्स, उसका उर्दू ये होगा मैं कॉलेज गई। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है, तो आप ट्रांसलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप लास्ट से आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक और बना लेते हैं, ही लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखी। अब सीखी में भी देखो लास्ट में क्या आ रहा है, छोटी आ रही है। अब थोड़ी की तरफ जाते हैं, दे डिड नॉट
like ice cream. Okay girls, उसको उन्हें आइसक्रीम नहीं पसंद थी. तो थी तो छोटी आ रहा है लास्ट में, दैट्स वाई हम यहाँ पे पास इंडेफिनिट यूज़ किया है. अब एक इंट्रोगेटिव बना देते हैं. आप देखिए लाइक को मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल किया है. वाई? बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब हम एक इंट्रोगेटिव बना देते हैं. डिड यू टेल अ लाई? क्या तुमने झूठ बोला? लास्ट में देखो अलिफ आ रहा है गर्ल्स. सो ये था पास्ट इनडेफिनिट. अब आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे. ओके, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.